हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ओल्ड पेंट बकेट का यूज कर एक स्टूल बनाएंगे। अभी हाल ही में हमारे घर में पेंटिंग का वर्क हुआ था, जिसके कारण बहुत सारे पेंट बकेट हमारे घर में पड़े हैं, तो मैंने सोचा इसका कुछ उपयोग किया जाए। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना इसका स्टूल बना दिया जाए। तो यहाँ पर मैंने एक पेंट बकेट को लिया है और इसे सबसे पहले अच्छी तरह साफ कर लिया है। साफ करने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके हैंडल को निकालना है। हैंडल को निकालने के लिए एक गर्म छुरी को यहाँ पर लगाकर इस तरह काट ले। काटने के बाद यह आसानी से निकल जाएगा। जब यह निकल जाए तो इसे अब हम इसे कवर करेंगे। तो कवर कैसे करेंगे, एक तो हम पेंट के द्वारा कर सकते हैं, दूसरा जूट रोप का यूज करके इसको कवर कर सकते हैं, तीसरा कपड़े के द्वारा कवर कर सकते हैं, या नहीं तो जूट फैब्रिक से इसको कवर कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ कपड़े का यूज कर इसे कवर करूंगी। और यहाँ पर मैंने दो तरह के कपड़े लिए हैं, इन दो कपड़ों का यूज करके मैं इसे कवर करूंगी। तो सबसे पहले इसका नाप ले लेना है हमें। सबसे पहले इसकी गोलाई को नाप लेना है और इसकी ऊंचाई को नाप लेना है। तो इसका ऊंचाई जो है वो 15 इंच का है और गोलाई जो है 35 इंच का है। तो 35 इंच के बदले हम लोग इसे 36 इंच की गोलाई का नाप लेंगे कपड़े को, और कपड़े को और इसकी लंबाई को भी देखने के बाद कपड़े को काट लेंगे। तो चलिए मैं कपड़े को काटने के बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने कपड़े को काट लिया है और बकेट के ऊपर रख दिया है। अब हम इसे फेविकोल की सहायता से चिपकाएंगे। तो सबसे पहले फेविकोल यहाँ से यहाँ लगा देंगे और उसके बाद इसे इस तरह चिपकाते हुए हम लोग जाएंगे। हाफ पोर्शन में पहले हम लोग चिपकाएंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो चलिए मैं आपको कपड़े को चिपकाने के बाद दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, नीचे के पोर्शन में मैंने चारों ओर कपड़े को चिपका दिया है। अब इसका जो बॉटम पोर्शन है, बॉटम पोर्शन को पहले इस तरह सेट कर ले। सेट करने के बाद इसे गम की सहायता से चिपका दे। और जो खाली जो जगह है, बीच में जो खाली जगह है, उसके लिए हम गोल आकार के कपड़े को काट लेंगे और उस पर चिपका देंगे। तो चलिए मैं आपको सब चिपकाने के बाद दिखलाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ऊपर के पोर्शन के लिए भी मैंने कपड़ा काट दिया है और इसे इस तरह रख कर दिखाया है। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे भी गम की सहायता से इस तरह चिपका लेंगे। तो चलिए मैं इसे भी चिपकाने के बाद आपको फिर से दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने बकेट के ऊपरी हिस्से को भी कपड़े से कवर कर दिया है और इसे अंदर की ओर भी इस तरह अच्छी तरह गम लगा दिया है, और इसके बॉटम को भी मैंने गोलाई के आकार का कपड़ा काटकर अच्छी तरह ढक दिया है। अब हमें इसका गद्दा बनाना है। तो चलिए इसका गद्दा कैसे बनाया जाता है इसे देखते हैं। देखिए फ्रेंड, गद्दा बनाने के लिए मैंने ढक्कन को कपड़े के ऊपर रख दिया है। अब इस ढक्कन की गोलाई को हम माप लेंगे। मापने के बाद 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर कपड़े को काट लेंगे। काटने के बाद कपड़े को साइड में मोड़कर सिलाई करेंगे ताकि उसके अंदर नाड़ा हम डाल सके। मशीन से सिलाई करें या नहीं तो हाथ से भी आप सिलाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको काटने के बाद सिलाई करने के बाद दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, कपड़े को मैंने ढक्कन के बराबर गोलाई से काट लिया और उसके चारों ओर सिलाई कर लिया है और बीच में नाड़ा भी डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर रुई को भरना है। तो चलिए देखते हैं कैसे रुई भरा जाता है। तो इस तरह रुई भर देंगे। जितना ज्यादा गद्दा आप बनाना चाहें उतना रुई भर सकते हैं। इस तरह रुई भरने के बाद इसके ऊपर इस ढक्कन को डाल दें और इस कपड़े की टोपी को इस तरह इसे पहना दें। पहना कर बंद कर लें, इस तरह रस्सी तान कर इसे बंद कर लें। चारों ओर इसे बराबर कर तान दें और यहाँ नाड़ा को बांध कर इसके अंदर घुसा दें। तो यह हमारा इस तरह का गद्दा बनकर
तैयार हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, गद्दा बन चुका है। अब हम इसे बकेट के ऊपर रख देंगे। रख देने के बाद इसका ब्यूटी कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। लेकिन मैं और भी इसके ब्यूटी को इनहेंस करने के लिए दो तरह के लेस लगाना चाहूंगी। तो चलिए मैं इसमें लेस लगाने के बाद आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, स्टूल का फाइनल लुक इस प्रकार है। यहाँ पर मैंने लेस लगाकर इसकी सुंदरता में और भी चार चांद लग गए हैं। और यह जो स्टूल है या स्टोरेज का भी काम करेगा। इसमें आप अनवांटेड सामान को इस तरह रख सकते हैं और इसे ढक्कन से बंद कर सकते हैं। तो यह आपका 2-in-1 हो गया। एक तो स्टूल का काम करेगा, दूसरा इसमें अनवांटेड सामान भी आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरा या DIY जरा भी अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले DIY के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।